welcome to my show. Thank you. Thank you. You enjoy the reputation of a very relaxed person, royal person. How this happens in political life? Not a royal person, but a relaxed person, yes. I don't let things bother me. And jaise bas aata hai, waise hi chalta hai. So I'm very happy on the way I function. Pressure se koi fayda to hota nahi. So you take it in your stride. So I have never had any problem in this. I think it's probably your own military training also. Because wahan bhi koi pressure nahi mante the. You did what you had to do. So aaj bhi मुझे वही है कि आई नेवर बॉदर अबाउट एनीथिंग. जो करना है वी डील विद इट एंड देन लेट इट हैंडल इटसेल्फ. एक नई चीज मुझे अभी चंडीगढ़ में पत्रकार ने बताई कि कोई हैटेड नहीं है आप प्रति, किसी के मन में कोई नाराजगी, कोई दुर्भावना, ऐसा भाव नहीं है. राजनीति में बहुत रेयर होता है ये. तो हाउ यू मैनेज कि मुझे गुस्सा नहीं आता. गुस्सा नहीं आता. लोगों के मन में कोई नफरत का भाव नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, नाराजगी नहीं है. टीम वर्क से बगैर पार्टी नहीं चलती. And I don't have any access to ground. Political rivalries होती हैं, but you take it in your stride again. और मैं कभी नाराज होकर फायदा क्या है? There is no point in that. So it is just जो आते हैं, मैं उनको अपना लेता हूँ और ऐसे ही चलता है. तो क्या लगता है, सरकार बनाने जा रहे हैं इसका? 100% सरकार तो बनेगी. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. कुछ बादलों की तो पोजिशन बहुत ही खराब है. आज तो बिल्कुल ही डाउन में आ गए. अगर वो 20 सीट भी पहुंच जाए बड़ी बात होगी. और आम आदमी पार्टी दिन पर दिन नीचे जा रही है. उन्होंने दिल्ली की गवर्नमेंट लोगों ने दी, पर दिल्ली पंजाब का शहर है, सभी जानते हैं, सबके रिश्तेदार हैं, सबसे बात होती है. तो दे आर क्वाइट, पंजाब वालों को मालूम है. एक 1900 उनके जेल में बैठे हैं, या केसेस रेप केसेस हैं और कुछ करप्शन के केसेस हैं. यहां रेप केसेस पंजाब में भी हैं. यहां जो सबसे कैंडिडेटों से पैसे लिए हैं, दो आदमी बाहर के चलाते हैं पंजाब को. हमारे 22 जिले हैं, उसमें से 52 लोग ऐसे हैं जो जिले को संभाल रहे हैं. और अभी 40,000 भेजना चाह रहे हैं अपने पोलिंग एजेंट्स को. ये पंजाब का तो कोई है नहीं इसमें. जो थोड़ा सा था पंजाब का, छोटेपुर वगैरह, उनको निकाल दिया. इट इज एन आउटसाइड पार्टी ट्राइंग टू टेक पावर. ये पहली बार हिंदुस्तान की पॉलिटी में ये बात चल रही है. सिद्धू को लाए हैं, कितना फायदा है? गुड. पहले हम मनप्रीत बादल को लाए, इट वॉज पॉजिटिव. सिद्धू को लिया पॉजिटिव है. दे आर वेरी गुड स्पीकर, बोथ ऑफ देम. दे आर वेरी नॉलेजेबल. उन्होंने अपनी जो डेब्यू है वो किया अपने अमृत सीरीज में से. बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे. सो इट्स अ गुड थिंग. बड़ी अच्छी है. पिछली बार सब कुछ तय था, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी तय हो रहे थे, एकदम से पासा पलट गया, मुख्यमंत्री नहीं बने. क्या वो पिछले 2012 में यही सीटें की कुछ तो मेरा ख्याल तो 10 तो सीटें थे. हम 100 वोटों से कम हारे. एंड बाकी सीटें वही सीट डिपेंड ऑन कैंडिडेट. देखो आज जमाना कुछ और बदल गया. पहले तो पार्टी टिकट देती थी और जो भी था वोट कर देते थे. अब लोग कैंडिडेट को भी देखते हैं कि हमारे साथ कौन ठीक मिलेगा आगे के टाइम में. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पिछली बार हम, मैंने जैसे कहा, 46 में से सिर्फ हम 8 जीते. दिस टाइम आई डोंट थिंक वील हैव दिस प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो क्या लगता है मेन कंपटीशन किससे है, कौन सी पार्टी से? विद नन. देखो ऐसे जैसे मैंने कहा, बादल तो बिल्कुल, अगर आप मुझे प्रिडिक्शन मांग रहे हैं, लेस देन 20 सीट्स. आम आदमी 20-25-30 इतने इस गेम में. बाकी ठीक चल रहा है. मैं आई एम नॉट लुकिंग फॉर विन. गॉड विनिंग, भगवान की कृपा होगी तो हम जीतेंगे जरूर. मुझे चाहिए 2/3 मेजोरिटी. बिकॉज आई नीड टू मेक लॉट ऑफ चेंजेस इन पंजाब. आज पंजाब की प्रॉब्लम बहुत है. एंड वी हैव टू मेंड द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन टू इनका सामना करने के लिए. तो आई एम नॉट वरीड एट ऑल. एंड आई एम जस्ट गोइंग फॉर नंबर ऑफ सीट्स. बनाना पड़ेगा. मैं बाई चांस अगर हंग असेंबली है तो किसके साथ अलायंस करने के चांसेस हैं? ये चांस नहीं आएगी. ये तो मैं आपको जो मेरी जिंदगी है 47 पोलिटिकल जिंदगी, उसमें से कह सकता हूँ कि हंग असेंबली नहीं आएगी. 2/3 मेजोरिटी में भाग रहा हूँ. दैट मीन 50% लाइन तो क्रॉस कर गए हम. तो चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेंगे? व्हाट आर मेन इश्यूज? इश्यूज आर वेरी मेनी. वी हैव गॉट फार्मर सुसाइड्स. एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली खत्म है. इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म है. अब मैं गोविंदगढ़ से आया हूँ. 220 स्टील यूनिट्स ऑफ शट डाउन. इंडस्ट्री 1,00,000 करोड़ अभी 1-2 सालों में लगी है. पंजाब का पैसा छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड में गया है. पीपल डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट. आप पावर नहीं देते. आप मेन द होल पॉलिसीज आर नॉट देयर. ये तो फैमिली सेंट्रिक पॉलिसीज थी. देयर नॉट स्टेट सेंट्रिक पॉलिसीज. इकोनॉमी तो कोई है नहीं. आप तो
यू नो द बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. कभी आपने सुना है पंजाब जैसा छोटा प्रांत, वी आर 140,000 crores इन डेट. वी हैव आर जो हमारी बजटरी डिफिसिट है, इट्स गोइंग टू बी अबाउट 5,000 crores. हाउ दे आर पेइंग सैलरीज बाय सेलिंग गवर्नमेंट जमीन, बिल्डिंग बेच लो, जमीने बेच लो, ऐसे कैसे चलेगा? यू कांट सेल योर फैमिली सिल्वर, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग टू रन. तनख्वाहें उसमें दी जा रही है, नॉट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यू आर सेलिंग प्रॉपर्टीज, यू हैव मॉर्टगेज योर हॉस्पिटल, योर ओल्ड पीपल्स होम, योर टीबी हॉस्पिटल, योर जेल्स, दे आर ऑल मॉर्टगेज. ऐसे कैसे गवर्नमेंट चलती है? So how you sort it out? Well, we have to work very hard. In 24 hours, we have to work 25 hours to try and resolve these problems. We will have to tighten our belts. We will have to raise funding. We will have to improve our policies. That is why I say I need 2/3 majority. We will have to make very major changes. ये बातें होंगी तभी कहीं जाके पंजाब निकलेगा इसमें से. तो अगले 5 साल का क्या एजेंडा, रोड मैप, प्लान दिमाग में क्या आता है? Well, नंबर वन, मेरी पॉपुलेशन इज 2 crore 90 lakhs. 90 lakhs मेरे बच्चे हैं बिटवीन द एजेस ऑफ 18 and 35, नो जॉब्स और अंडर पेड जॉब्स. सो जॉब क्रिएशन इज गोइंग टू बी वेरी मेजर फॉर अस. एग्रीकल्चर सेक्टर वी हैव टू यू नो, इंडिया एक बार उसको इसका इंडिया की सोच थी कि 7.4% हम ग्रोथ हो. पंजाब और 5.56, वी आर लेस देन द इंडियन एवरेज ग्रोथ. तो ऐसे कैसे चलेगी? बिकॉज दिस इज ऑल रुइनेशन. ये अपनी बातें सिर्फ, दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन फैमिली, हमारी फैमिली के होटल लग जाए, ये हो जाए. डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिजनेस में लगा था, जो चीफ मिनिस्टर है वो तो बैठ के बस अपने संघ दर्शन में चेक मारता था. एंड वन फेलो ऑफ देयर फैमिली इज मेकिंग दिस ड्रग्स. दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन पंजाब. तो ड्रग्स पे क्या एजेंडा है? ड्रग्स पे क्या एजेंडा है? टोटली 4 वीक्स मैंने दिया है. एक चिट्टा जो, देखो ड्रग्स कई किस्म के हैं. वन इज जो भांग वगैरह चलती है, तो चलती है सारी दुनिया में. दूसरी जो है विच इज हेरोइन, दैट कम्स थ्रू द गोल्डन ट्राइंगल, ओपियम एंड हेरोइन. वो तो बीएसएफ हैज टू बी वेरी विजिलेंट, ये तो ऐसी बात है. तीसरी, नेशनल ड्रग पॉलिसी नहीं है. टुडे मध्य प्रदेश यू कैन ग्रो एंड सेल, राजस्थान अब तो बंद कर दिया, लेकिन राजस्थान यू कैन ग्रो बट यू कैन सेल. पंजाब बिकेम योर मार्केट, तो हम उसमें फंस गए थे. अब जो सबसे डेंजरस ड्रग है, इट इज केमिकल ड्रग, इज चिट्टा. और मेरा अमृतसर में एक मोहल्ला है मकबूलपुरा, एक आदमी नहीं उसमें, सब औरतें हैं या बीबी, सब मर गए इसका आके. सो दिस इज अ ट्रेजेडी. सो आई हैव प्रोमिस्ड इन 4 वीक्स टू ब्रेक दिस नेक्सस. वी नो हु मेक्स इट, वी नो कहां से आता है पैसा, वे कौन बनाता है, कौन लेता है, कौन सब कुछ करता है, हमें मालूम है. पुलिस नोज इट, एवरी वन नोज इट. यू हैव टू हैव द विल टू ब्रेक इट, और वो विल है हमारे पास, और 4 हफ्ते से पहले ही कर देंगे इसको. ठीक है, उन्हीं फैमिली के लोग जब माफिया स्टेट हैं कनेक्टेड, टोटली माफिया स्टेट. बस माफिया, टेलीविजन माफिया, रेता माफिया, लिकर माफिया, बजरी माफिया, आप नेम तो करो, सभी माफिया इनका. इट्स ओनली द फैमिली दैट ट्रांजिट. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आपके माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं हम, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट पंजाब गेट्स रेवेन्यू ऑफ 35 crores, माइनिंग बिजनेस इज 6,000 crores. So look in the gap. Look what this mafia is doing. This time, इस समर में लुधियाना के मंडी में कनक, गेहूं जो आप कहते हैं, was selling cheaper than रेता in retail trade. कभी सुना आपने इस बात को? This is what is happening in Punjab. तो क्या करेंगे? वो तो सब सीख, जैसा मैंने कहा कि बहुत सख्ती से हमें डील करनी पड़ेगी. वी मस्ट होल्ड पीपल रिस्पॉन्सिबल. अगर इन्वेस्टिगेशन की ट्रेल ड्रग माफिया में रूलिंग पार्टी लग जाती है तो क्या अरेस्ट करेंगे लोगों को? 100% इफ दे आर, वी विल नॉट अरेस्ट लाइक मिस्टर केजरीवाल से कि आते सार हम इनको जेल में डाल देंगे. देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ लीगल सिस्टम इन द कंट्री, उसको हम यूटिलाइज करेंगे. वी विल इन्वेस्टिगेट थरली, वी विल पुट कॉम्पिटेंट ऑफिसर, वी हैव प्लेंटी ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर. किसी कॉम्पिटेंट ऑफिसर को तो काम नहीं करने देना. आप देखो मेरे डिस्ट्रिक्ट, पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, नॉट वन आईपीएस ऑफिसर वॉज देयर. ऑल पीपीएस ऑफिसर जो रिटायर होने पे आ रहे हैं, विच इज नॉट लीगली करेक्ट. और अब सब इलेक्शन कमीशनर सब आईपीएस लगा दिए उनको हटाकर. सो दीज आर थिंग, ये तो अपने ऐसे बदमाशी कर रहे थे. टोटल पुलिस सिस्टम ही बदल दिया. पुराना जमाना था कि एक थाना था, एक डीएसपी वाज लुकिंग आफ्टर टू थानास, एक इस कंस्टिट्यूंसी में, एक उसमें. अब दोनों एक के एमएलए के नीचे कर दिए और वो डीएसपी उनके चॉइस का लगा दिया.
5 लाख देर आर पर्चाज ऑन आर बॉयज, 5 लाख पर्चे हैं, एक लड़का है 32 पर्चे हैं उसके ऊपर। थोड़ा आप क्या ख्याल है कि उनको भूलेंगे? सब बैठे हैं तैयार, ऐसे बैठे हैं बदला लेने को। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने हल्के में गया, उसके पत्थर पड़े, 4 आदमी जख्मी हो गए, प्रकाश सिंह बादल के किसने जूती फेंक दी, उनके शीश उनके ऐनक टूट गई। इट इज फ्रस्ट्रेशन दैट इज कमिंग आउट। और आप देखने जाना, दो पार्टी उस पार्टी से छोड़ेंगे, दे विल कम टू अस एंड यू विल सी दैट आई एम वरीड अबाउट लॉ एंड ऑर्डर। आई टोल्ड द डीजीपी पुलिस बिफोर द कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आई सेड व्हेन दिस कोड ऑफ कॉन्डक्ट कम इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ योर बॉसेस, बिकॉज मुझे लग रहा है कि गुस्सा इतना बढ़ रहा है कि कुछ ऐसी बात ना हो जाए। तो बादल सरकार के मेरे डिसीजन से इनको रिव्यू करेंगे अगर आप बताएं? 100% 100% देयर वर नो डिसीजन। व्हाट इज द डिसीजन? सरकारी जमीनें बेच के कोई फैसला होता है? वी हैव टू गेट द इकोनॉमी मूविंग, वी हैव टू मेक मेजर चेंजेस इन इट। हमें फार्मर्स के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि 67,000 करोड़ का रूरल डेट है, इट नॉट 67,000 करोड़। क्रॉप लोन डेट इज 31,000 करोड़, आउट ऑफ विच कैपिटल इज 8,000, बाकी तो इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह पड़ा है। सो वी कैन टेक दैट ओवर एंड वी कैन सर्विस इट, वी कैन निगोशिएट विद द बैंक्स। वो गरीब कहां करेगा बेचारा जिसके पास एक एकड़ है? तो वी विल हैंडल दैट। तो करप्शन के इंक्वायरी के लिए कोई कमीशन भी बना सकते हैं? वी कैन, यस यस वी कैन डू अ वेरी वेरी ट्रबल विद कमीशन, ये बड़े लंबे पड़ जाते हैं कमीशन। तो आप किसी कमीशन को बिठा दो, वो 6 महीने लगाता है, फिर 10 महीने और मांग लेता है, फिर 10 महीने और, कभी नहीं खत्म होती बात। लेकिन वेंडेटा नहीं करेंगे पॉलिटिकल? आई एम नॉट अगेंस्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स, आई एम फेसिंग इट। टू केसेस दे हैव डन अगेंस्ट मी इन 2000 एंड कब था, हमने छोड़ी 2007 में, और 10वां साल चल रहा है। क्या करते हैं, एवरी सैटरडे जाके कोर्ट में बैठ जाओ। यही है, this is not solving the problem. We have to concentrate on administration, not on this vendetta politics. तो वेंडेटा की जो बात आप करते हैं, तो ईडी के जो केसेज आपके हुए, क्या लोकल गवर्नमेंट का भी कोई इंस्ट्रक्शन था उसमें हाथ था? एसी ने तो किया है बादल ने, और किसने किया है? इसी जब मैं गवर्नमेंट में आया, दिस करप्शन वॉज देयर, सो वी टुक द करप्शन केसेज, हमने कोर्ट में कर दिए। इट वॉज अ लीगल मैटर, इट वॉज अ लीगल बैटल गोइंग ऑन। इनका जो वकील है एक दिन नहीं पहुंचा, जज दैट डे गेव देम जेल, बोथ फादर एंड सन। वो हफ्ता दस्ते में होंगे, पता नहीं कितना उसमें निकल गए। तो मेरे आते सार ही उन्होंने मेरे पे कर दिए 2 केसेस हैरेसमेंट। आई डोंट माइंड, आपके माइंड में ऐसा कुछ नहीं कि आप आएंगे? आई डोंट बॉदर, आई विल नॉट डू दैट। आई विल वॉन्ट पंजाब, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन पंजाब, एंड दिस कैन बी अ बाई प्रोडक्ट ऑफ जब इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स करेंगी, होम करेगी, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, शुगर फेड, आई विल सी करप्शन एवरीवेयर। तो वी जो जिसने किया है, ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक। मतलब लॉ द लैंड विल टेक इट्स कोर्स, इट विल, वी विल टेक, यस एब्सोल्युटली, वी आर नॉट गोइंग टू परस्यू एनी मैटर। एक चीज कह रहा, बादल के खिलाफ भी चुनाव लड़े, दो जगह चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? कॉन्फिडेंट नहीं है क्या कैसे? नो नो नॉट एट ऑल। पटियाला मेरा घर है, 47 साल पहले मैंने शुरू की अपनी पोलिटिकल करियर, 47 ईयर्स हो जाएंगे, एंड दिस इज माई लास्ट इलेक्शन। मैंने कह दिया मैं इसके बाद नहीं लड़ूंगा, आई एल बी 80 वाले टाइम गवर्नमेंट खत्म होती है, एंड नाउ इट इज टाइम आई लाइक, मैं मुझे बड़ा पसंद है लिखना, आई लाइक गार्डनिंग, आई लाइक दीज सॉर्ट ऑफ थिंग, बड़ी मुझे शौक है उन बातों का। आई वुड लाइक टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई डेज ऑन दैट। देन इंडिया इज नाउ अ यंग कंट्री, 70% इज अंडर 40, सो लेट द यंगर जनरेशन, हमने बहुत लिए हैं अपने असेंबली में, लेट देम लर्न द बिजनेस एंड कम इन टू इट। व्हाई आई एम गोइंग फॉर लंबी, मैंने मांगा लंबी, मेरी तो अनाउंस हो गई थी पहले लिस्ट में, लास्ट में आई जलालाबाद, मैंने कहा सोच रहे थे किसको, मैंने कहा मुझे दे दो, मैंने इसको सबक सिखाना है। जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या माइंड में प्लान है? इंडस्ट्रियल वन, गवर्नमेंट के पास तो इतना नहीं, वी हैव अबाउट 120,000 रिटायरीज एंड 120,000 कमिंग इन, दैट्स नथिंग, तो छोटा सा है। वी हैव टू मेक वेरी इनोवेटिव पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, सर्विस सेक्टर इज गोइंग टू बी अवर मेजर एम्प्लॉयमेंट, उसको हमने, वी हैव टू मेक पॉलिसीज टू इनकरेज सर्विस सेक्टर टू कम। अब मैंने, आई ब्रॉट इंफोसिस, आई ब्रॉट क्वार्क, आई ब्रॉट डेल, सब बंद कर दिया उन्होंने, सब बंद चले गए छोड़ के। सी दे डोंट, दे डिडंट थिंक, दे हैव नो विजन। विजन इज सराउंडिंग देयर ओन पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स एंड देयर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, देयर इज नो विजन फॉर द कंट्री, देयर इज नो विजन फॉर द स्टेट। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, आपका आर्मी का बैकग्राउंड है,
Do you think Indian Army is handling Kashmir and the border areas in an effective way? The Indian Army is handling the best they can. Indian Army, we have got the best army in the world, let me tell you. It's the man, I mean. Guns you can give the Americans what they want. But unless the Americans get the hamburgers and ice cream, they don't fight. हमारे सूखे परौठे पे हम पेट्रोल पे जाते थे हम परौठे बना के चार दिन अपने जेबों पे रखते थे या शक्कर पारे दैट वाज ऑल वी हैड एंड वी फॉट हैवली एंड वी एंजॉयड आवर लाइफ इट वाज अ वेरी गुड लाइफ दीस थिंग्स टेक कम सो इंडियन आर्मी हैज नो प्रॉब्लम इट्स अ पॉलिटिकल विल इट हैज टू बी यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर कमांडर्स एंड डू इट एंड योर बॉयज विल डू अ ग्रेट जॉब मुझे कोई 1% भी डाउट नहीं है सतलज पानी वाला किस्सा राजस्थान पंजाब मैं नहीं पानी दे सकता अगर मैं मेरे पास हो If the SIL canal is built, मैं आपको बता देता हूं मेरा 10 लाख एकड़ सदर्न पंजाब राजस्थान के साथ जो है वो सूखा पड़ जाएगा और वहां का नीचे का पानी खा रहा है लोग पी भी नहीं सकते खेतों में तो क्या एंड इफ वो पीते थे खुली नहरों के से अगर वो भी बंद कर दोगे तो 10 लाख एकड़ और 6 लाख फैमिलीज आप बिल्कुल खत्म कर दोगे उनको सो आई कांट टेक दिस डिसीजन सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अस देयरफॉर वी हैव टू गो बैक टू द असेंबली एंड फाइंड अ सोल्यूशन Because if, as a chief minister, if I am supposed to take a decision on this, I cannot take a decision. I will not take a decision. My responsibility is to the people of Punjab who elect me. And that is what I will have to do. And if I have to face the Supreme Court, I will face it. What can I do? So, Rajasthan ka pani band karne ki aur bhi violation of collective responsibility? No, we are not stopping you. You are getting 8.6%. They are getting 8.6% MAF. 8.6 MAF aapko mil gayi hai. Dekhiye, problem is this. You had a combined Punjab, ठीक है जी हमारे तीन नदियां थी एंड जमुना थी अब हरियाणा का हमारी डिवीजन इज नॉट विद राजस्थान प्रॉब्लम इज नॉट विद राजस्थान हमारा हरियाणा के साथ है झगड़ा तो हमारा झगड़ा जो पानी है हमने 60-40 रेशियो में सारी बात कर दी थी पंजाब की एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा वी गॉट 60% वाटर ऑफ द रावी ब्यास एंड सतलुज एंड दे गॉट 40% लेकिन जमुना का जो 8 मिलियन एकड़ फीट वाटर था फ्रॉम द ताजे वाला हेडवेज वो हरियाणा को दे दिया अब उनकी जमीन 60% हमारी 60% है विद 40% वाटर एंड दे गॉट 40% लैंड विद 60% वाटर बिल्कुल उल्टा बिकॉज जमुना ये इराडी कमीशन में आपने जमुना का वाटर ही नहीं डाला अदरवाइज दैट वॉज कंबाइंड पंजाब का पानी माइनॉरिटी के साथ कैसे आपका माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए एम्पावरमेंट के लिए कुछ करेंगे यस यस वी हैव टू डू दैट यस नहीं Empowerment we have now in this jo manifesto banai hai, 33% we are reserving for women. That's for sure. Because our women are very clever, let me tell you. Hamari jo ladkiyan hai, colleges wagaira se, ladke piche reh jate hain, aage nikal jati hain. Par yahan mauka nahi mila unko kabhi. So we are going to make a reservation policy for them of 33%. Baki minorities to hamari Muslim minority 2% hai, Christian minority 2%. We are giving them the same facilities. As we are giving to SCs and Dalits. वो हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला पिछले मेरे गवर्नमेंट ने भी किया था इसको आज सारे देश में जो है हिसाब से नरेंद्र मोदी की चर्चा है हाउ यू रेट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एज ए सिटीजन यू एज ए सिटीजन यू सी आई थिंक वन बिग मिस्टेक इज मेड इन द डिमोनेटाइजेशन अदरवाइज आई कैनॉट से ही इज अटेम्प्टेड टू गो राउंड एंड टॉक टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर्हैप्स आई डोंट नो वी हैव सीन द आउटकम ऑफ व्हाट इज गोइंग टू कम फ्रॉम देयर They can certainly demonetize it. Any school boy would know. If 86% of the currency are moving from the market and not putting 86% back, how does the country work? So this is a great error on his part. What the future holds, God alone knows. But today, gussa bad raha hai. Aur maine pehle bhi kaha hai, Punjabiyon ke badi short fuse hoti hai. And yahan aaj abhi bhi lambi line lagi hui hai. And ye lagegi bahut der tak. क्या करेंगे लोग जब रोटी नहीं खा सकते यू थिंक यू आर कैचिंग बिग पीपल बड़े कौन खड़े हैं बड़ा आदमी को खड़े हैं बेचारे गरीब 50% ऑफ इंडिया डजंट हैव बैंक अकाउंट्स यू से यू गो डिजिटल किसको डिजिटल बनेंगे आज एक किसी हवलदार की वाइफ बेचारा मर गया था उसने अपने जब अपने हस्बैंड की चीजें देखे और हमारे फौज का हवलदार था देखा उसके 50-60 हजार रुपए कैश पड़ा पुराने नोट्स के उसको भी नहीं बदलने दे रहे सो दिस एंगर इज गोइंग टू ग्रो अभी हमारे 12,700 गांव है और 7,000 गांव है हमारे जिनमें कोई एटीएम या ये नहीं है कुछ तो वहां लाइनें 200-200 गज लगी हुई है जब शाम होती है अगर पैसा खत्म अंगे बनाओ सो दिस एंगर विल ग्रो दिस इज आई थिंक अ मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो पोल पे इंपैक्ट होगा इसका 100% इस पोल पे होगा आगे का तो लेट अस सी हाउ थिंग्स डेवलप बट करेंसी जो
is not expected to come back to normal for another 8 months, 7-8 months. So 7-8 months कौन खड़ेगा क्यों में? तभी मुझे नॉन की प्रॉब्लम लग रही है कुछ ऐसी. इलेक्शन कैंपेन में स्टार कैंपेनर्स हमारे 40 है, स्टार कैंपेनर्स ऑलरेडी लिस्ट परसों अनाउंस हो गई एंड वी आर गोइंग टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शन बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट. 10-12 दिन ही रह गए तो वी विल सेंड देयर विल बी ऑफकोर्स मंत्री बादल गोइंग समवेयर, सिद्धू गोइंग समवेयर, माय सेल्फ गोइंग समवेयर, पीपल कवर जितने कर सकते हैं सोनिया जी. एंड देन कांग्रेस प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, 40 हमारे हैं ऐसे. सो दे विल बी कमिंग फ्रॉम वेरियस एरियाज फॉर वेरियस रीजंस. प्रियंका गांधी मेरे प्यार के लिए, आई वॉन्टेड हर बट शी इज नॉट कैंपेनिंग. शी इज, उन्होंने कह दिया कि वो कैंपेन नहीं करेंगे. शी इज नॉट कैंपेनिंग एनी वेयर अदर देन पर कमेटी एंड अपने एरिया में. राहुल गांधी साहब का ब्लो होल चलता रहता है, अब अच्छा हो गया है, क्यों होता है, क्यों ठीक हो जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी. देखो, एवरी वन हैज टू हैव अ बिगिनिंग. आई डिसएग्रीड ऑन सम इश्यूज इन द बिगिनिंग एंड आई थॉट एवरी वन नीड्स एक्सपीरियंस. जब मैं पार्लियामेंट आया था पॉलिटिक्स में, आई डिडंट कम एक्सपीरियंस्ड. ये तो 47 इयर्स हैज टॉट मी द वेरियस थिंग्स. सिमिलरली आई हैड दिस इनिशियल जो मैंने बात की थी, बट आई हैव वर्क विद हिम नाउ फॉर 14 मंथ्स एज पीसीसी प्रेसिडेंट. I find him a very intelligent. I've actually known Rahul since he's that old. Yes. That chota sa tha. Yes. And he has grown the same way. He's very inquisitive, wants to know everything, ye sari baatein, which is a good thing. This is teaching yourself. And in these 14 months, we have worked very closely, very, very fondly with each other. But what had gone wrong at that time? Shuru mein? Initially. Huh? Main to jaanta nahi tha unko, as a grown man. Dekhiye, unke father mere se ek saal peeche the, school mein. Yes. फिर मैं फौज में चला गया, वो चले गए अपने सिविल एविएशन में. और बच्चे छोटे, कभी मैं जाता था दिल्ली, मिलते थे, छोटे छोटे थे. फिर मेरे बेटा और राहुल इकट्ठे रहे स्कूल में, और मेरी बेटी और उनकी बेटी स्कूल में इकट्ठे रहे प्रियंकर. सो दैट वाज, यू नो, वन दिन यू ओनली मेड कॉन्टैक्ट लेटर. एंड वो लेटर जब मैंने इनिशियली उनको मिला, 2-4 साल ही हुए, और उसके बाद फिर नहीं, लिटिल लॉन्गर देन दैट, मे बी 5 ईयर्स. बट नाउ आई थिंक ही हैज सर्टेनली, आई व्हेन आई सी हिम. लोग कह रहे हैं कि 5-7 साल बाद पहली बार राहुल गांधी क्लिक कर रहे हैं, इसमें नरेंद्र मोदी को अटैक कर रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं. Yes, yes, मैं वो ये कह रहा हूँ कि तजर्बा सब कुछ सिखाता है आपको. एंड ही इज लर्न्ड एंड ही इज फाइटिंग वेरी वेल. आई थिंक हिज स्पीचेस आर वेरी गुड. अमेठी जब संजय जी का एक्सीडेंट हुआ एंड राजीव जी अमेठी जी मुझे ले गए, उन्होंने डिवाइड कर दी अपनी 2-4. आई हैड फोर्स कंजा सेक्शन एंड मेरे पास राजीव जी ने मुझे चिट दे दी जब आए पहली स्पीच में. व्हाट इज दिस? ही सेड, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करा देना पीछे बैठकर. इतनी सी स्पीच थी, इतनी. एंड देन 2 ईयर लेटर आई सॉ हिम, 3 ईयर लेटर एड्रेसिंग द UN जनरल असेंबली. पीपल ग्रो विद द थिंग एंड व्हाट अ ब्रिलियंट स्पीच ही गेव. तो इसी तरह सब, वी हैव स्टार्ट यंग एंड वी हैव टू ग्रो विद एक्सपीरियंस. आखिरी सवाल, आपको लगता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कार्टेल हो रही है इन दिनों? आई हैव नेवर गॉट दिस इंप्रेशन. ये तो मुझे नहीं है कि कोई फ्रीडम ऑफ, जो मैं कहता हूँ लिखता है, अखबार लिखते हैं, टेलीविजन देखती है, सो आई डोंट, मुझे पर्सनली कोई ऐसी फीलिंग. इंटॉलरेंस, द सेंस ऑफ इंटॉलरेंस. इंटॉलरेंस आई थिंक इट इज frustration that brings intolerance. Wow. And it is true that there is frustration in amongst youngsters. 70% of India is less than 40. They want to move ahead and they're not getting the opportunity to move ahead. That brings about intolerance. You want to do things fast. And youngsters today want, I mean, I can't deal with these telephones. My grandson can deal with them. So ye time badal gaya na, badal gaya. So at the end of the day, you are all set to take over and to be the chief minister. Thank you. Thank you so much.